नमस्कार सर, मैं ईवे ऑनलाइन शॉपिंग डॉट कॉम से कर रहा हूँ। बातें कर रहे हैं जी सर? आपने या लिया हुआ था हमारे पास? बिल्कुल सर। ओके समीर जी, तो देन आपको सर सारी जानकारी दी गई होगी, मैसेज की भी जानकारी दी गई होगी, हमारे पास मेल आई सर जी। जी 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 सर, मैं बताना चाहूँगा आपका नाम नंबर सर शॉर्ट लिस्टेड किया गया। सर आज के डेट में हमारी ईवे कंपनी में 5 टाइप के गिफ्ट आए हुए हैं सर। ओके, गिफ्ट की जानकारी आपको दे दी गई होगी, बट मैं फिर से बताना चाहूंगा। पहला गिफ्ट सेल कंपनी का लैपटॉप है जी। दूसरे गिफ्ट में सोनी की एलईडी टीवी ब्राविया 40 इंच की है जी। तीसरे गिफ्ट में एप्पल का iPhone 7। चौथे गिफ्ट में एलजी का स्प्लिट एसी 1.5 टन का। और पांचवे गिफ्ट में एलजी का डबल डोर 308 लीटर का रेफ्रिजरेटर फ्रिज। ओके सर जी। सर पांचों में से सर आज के डेट में आप कोई भी एक ऐसे और गिफ्ट को ले सकते हैं। गिफ्ट का कोई पैसा, कोई चार्ज, कोई जीएसटी आपको पेड नहीं करनी है जी। जी जी। बट गिफ्ट के रिगार्डिंग सर छोटा सा टर्म एंड कंडीशन रखा गया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको सर आज के डेट में हमारे ईवे के साइट पर जाकर कोई भी एक मैक्सिमम 4 से 5 हजार रुपए की सर ऑनलाइन शॉपिंग करनी होगी। शॉपिंग किया गया सामान और पांचों गिफ्ट में से जो आप एक गिफ्ट को एक्सप्योर करेंगे, ये गिफ्ट दोनों एक साथ अटैच करके आपके घर पे जो आपका नियरेस्ट एड्रेस हमारे पास दिया गया है, मैं एड्रेस कन्फर्म करना चाहूंगा सर। एड्रेस पर आपका जितना प्रोडक्ट चला जाएगा। मैं बताना चाहूंगा सर, जो भी आज के डेट में 5000 की आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे सर, उसमें कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल जी। और सर मैं बताना चाहूंगा सीओडी फैसिलिटी क्यों अवेलेबल नहीं है सर, क्योंकि हमारा पहला मोटो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप सेटिस्फाइड हो जाए सर, देन आप शॉपिंग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगी। ओके जी। सीओडी फैसिलिटी सर इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपको जो ये गिफ्ट दिया जा रहा है सर, वो मैक्सिमम 40 से 15000 के बीच का है। ओके जी, इसीलिए इसमें सीओडी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओके जी जी। देन सर आप बताएं कि पांचों में से कौन सा एक गिफ्ट लेना चाहेंगे सर? सर आप सर लैपटॉप को फाइनल कर दीजिए। ओके, डेल का लैपटॉप 15.6 इंच का ब्लैक कलर का आपके नाम पे बुक कर दिया जा रहा है, प्लीज होल्ड द लाइन सर। ओके जी सर। लाइन से बने रहने के लिए धन्यवाद सर। आपके नाम पे डेल का रिक्वायरमेंट 15.6 इंच का लैपटॉप जो कि ब्लैक कलर का बुक कर दिया गया। ओके जी सर जी। सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, अपने फिर से नाम कंफर्म करवाए सर? सर समीर। ओके सर। और देन सर आप ये कंफर्म करवाए कि आज के डेट में सर आप 5000 का कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे? जैसा कि आप जी अपने लिए कपड़े ले सकते हैं, जूते ले सकते हैं, मोबाइल फोन ले सकते हैं, इसके बाद सर आप अपने लिए घर के लिए माइक्रो ओवन ले सकते हैं, फिर सर आप मिक्सर ग्राइंडर होम थिएटर एज और भी सर कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं ईवे के साइट से, कोई भी प्रोडक्ट अपने मन से परचेज कर सकते हैं। तीन प्रोडक्ट ही परचेज कर सकते हैं आज के डेट में आप 5000 के अंदर। अगर उससे ज्यादा का भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, जितना का भी आप शॉपिंग करेंगे। आपको बताया गया है कि अगर इसका पेमेंट पेटीएम ऐप, ऑक्सीजन वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो 40% आपको कैशबैक प्रोवाइड की जाएगी सर। ओके, आप जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं सर, एज योर विश। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप किस प्रकार से अपना प्रोडक्ट लेंगे, देन आपकी प्रोडक्ट की भी बुकिंग हमारे साइट से होगी। आपका प्रोडक्ट और गिफ्ट दोनों एक साथ अटैच करके विद इन 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर आपके घर पे होम डिलीवरी कर दी जाएगी। ओके, आप जैसे ही पेमेंट करेंगे सर, आपकी पेमेंट जैसे देन पेटीएम ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं, आपकी पेमेंट होगी, आप चेक कर लेंगे आपकी भी साइट पे पेमेंट हो चुकी है। आपके पास एक ट्रांजेक्शन आईडी आएगा सर, रजिस्ट्रेशन आईडी जिसे कहा जाता है, वो रजिस्ट्रेशन आईडी 12 अंकों का रहता है, वो आप हमारे पास कंफर्म करवाएंगे। कंफर्म करवाने के बाद आपको हमारे तरफ से ट्रैकिंग आईडी, ऑर्डर आईडी, डिस्पैच आईडी, कुरियर बॉय का नाम, नंबर, सारा डिटेल के मेल और मैसेज के थ्रू जानकारी दे दी जाएगी, जिससे कि सर आप अगले आधे घंटे के बाद चेक करेंगे ईवे के साइट पे जाके तो आपका गिफ्ट और प्रोडक्ट दोनों एक साथ अटैच दिखेगा, वो ट्रैकिंग आईडी, ऑर्डर आईडी डालेंगे। तो देन सर आप क्या लेना चाहेंगे? मैं मोबाइल फोन की जानकारी दूं सर, अभी हमारे पास रेडमी का बहुत ही ब्रांडेड मोबाइल फोन है, रियलमी रेडमी नोट 4 डुअल 64GB। प्राइस कितना है सर? 10,099 रुपए है सर, 10,000 माफी चाहूंगा 999 रुपए। लेना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल सर। ओके, प्लीज होल्ड द लाइन। आपके नाम से सर ज्योमी रेडमी नोट 4 64GB 4GB जो है, कौन से कलर में? ब्लैक कलर में ना सर? जी सर। ओके, प्लीज होल्ड द लाइन सर।
क्लाइंट पर ले जाने के लिए धन्यवाद सर। आपके नाम पे जीवी रेडमी नोट फोर डुअल 64 GB 4 GB ये सर ऑफन बॉक्स जो है 10,999 रुपए का ब्लैक कलर का आपके नाम पे बुक कर दिया गया सर। ओके जी सर। तो देन आप बताए सर कि इसका पेमेंट आप किस प्रकार करना चाहेंगे? आप बताइए सर क्या ऑप्शन मेरे पास अभी कैश ऑन डिलीवरी आपने मना कर दिया? या सर कोई इशू नहीं है सर, ये कॉल जो है अकाउंट टीम के पास ट्रांसफर कर दी जा रही है, आप उनसे जानकारी ले लें जिस प्रकार आप सेटिस्फाइड होंगे पेमेंट के लिए, यानी कि जिस प्रकार आप एलिजिबल होंगे, आप जिस प्रकार पेमेंट कर सकते हैं उस प्रकार आपकी पेमेंट करवा ली जाएगी और अगले 48 आवर्स के अंदर आपके घर पे होम डिलीवरी कर दी जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर, प्लीज प्लीज होल्ड द लाइन सर। नमस्कार, मैं eBay.in के अकाउंटेंट टीम से निखिल अरोरा बात कर रहा हूँ सर। क्या मैं स्पीकिंग मिस्टर, क्या मेरी बात मिस्टर समीर से हो रही है? जी सर। तो मिस्टर समीर एज पर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, टुडे योर नेम एंड नंबर हैज बीन शॉर्टलिस्टेड, आज की डेट में जो आपका नाम नंबर सेलेक्ट किया गिफ्ट के रिगार्डिंग, तो आज की डेट में आपके नाम पर गिफ्ट अपने तरफ से 5 गिफ्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको आपने सारे गिफ्ट आपको पता, आपने डेल का लैपटॉप सेलेक्ट किया है राइट? राइट सर। ओके, प्रोडक्ट में आपने हमारे कंपनी से कुछ प्रोडक्ट खरीदा था, माइक्रोमैक्स कैनवास खरीदा है 4,199 को बता, उसमें आपको 40% तक का कैश बैक मिलेगा। तो पेमेंट के रिगार्डिंग में आपका कॉल हमारे पास ट्रांसफर किया गया, तो ये बताइए सर आप पेमेंट किस माध्यम से करना पसंद करेंगे सर? नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, मोबाइल वॉलेट, कितने माध्यम है आपके पास सर? आप बताइए कैसे करनी चाहिए सर, कैसे करनी चाहिए सर? जी आपको अगर कैशबैक लेना है तो आप सर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से भी पेमेंट, दोनों की आपको कैशबैक देता है, लेकिन ऑफर का टाइम आज थोड़ा कम है हमारे पास, 4:40-45 मिनट तक ऑफर का टाइम है, तो हो गए सर अभी 10 ही मिनट है मतलब। हाँ 2 मिनट पेमेंट तो सर 2 मिनट में होता है, आप इतने पेमेंट करने के बाद पढ़े लिए हैं, आप बात करने से आप एजुकेटेड लग रहा है सर, पेमेंट 2 मिनट में हो जाता है ठीक है जी सर प्लीज। आप जैसे कि मैं पेटीएम से, मैं दोनों माध्यम डेबिट कार्ड से, दो माध्यम होते हैं, एक खुद के तरफ से करने के लिए, एक हमारे तरफ से करने के लिए। खुद के तरफ से करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर पे जाके पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जी। पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वहां पर एक ऐड मनी का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप पैसा वॉलेट में ऐड करते हैं, वहां पर आप 16 का कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर फिलअप करिएगा, उसके बाद आप प्रोसेसिंग करिएगा, बैंक की तरफ से आपको मैसेज मिलेगा, मैसेज मिलेगा उसके बाद वो मैसेज आप पढ़ लीजिएगा, उसमें अमाउंट लिखा रहा था, देन आप वो पेटीएम में फिल कर दिया, तब आपका पैसा पेटीएम ऐड होगा, उसके बाद आप भारत में किसी कोना में पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा आप हमारे तरफ से करना चाहते हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि पेटीएम वाले माध्यम में आपको 40-45 मिनट लगेगा ही ठीक है, और हमारे तरफ से करना चाहते हैं तो आपको अपने एटीएम कार्ड का 16-digit का कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर हमें कंफर्म करना पड़ेगा, हम आपके कार्ड को प्रोसेसिंग में डालेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, उसमें आपका अमाउंट लिखा रहा था, आप जितने अमाउंट से हमारे ईबे में पेमेंट कर रहे हैं तो मैसेज आप कर लीजिएगा, देन आप हमें कंफर्म कीजिएगा। ओके जी जी जी। तो आप डेबिट कार्ड को हाथ में लीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, आप निश्चिंत रहे सर। सर डेबिट सर, लेकिन डेबिट कार्ड में तो सर वो सर बैंक मना करता है सर, सर बैंक कब मना करता है? जब आपको कोई अनजान व्यक्ति फोन करता है, बोलता है अपना डेबिट कार्ड का नंबर दीजिए, अपना एटीएम पिन बताइए वगैरह वगैरह, तो हम आपसे वैसा कुछ नहीं, एटीएम पिन आपका प्राइवेसी होता है, वो आप कभी किसी को शेयर ना करें ठीक है। जैसे कि आप हमारे वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, सेम चीज आपको हमारी तरफ से पूछा जाता है, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है, मैसेज कर लीजिए, आप खुद पढ़े लिखे, आपको पता होगा कितना अमाउंट का आपको मैसेज गया, बिल्कुल कर लीजिए, देन आप पेमेंट कंफर्म कीजिए जी जी। 16-digit का कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और काली के पर कार्ड के पीछे 3-digit का नंबर लिखा रहता है, वो कंफर्म करेगा, कार्ड को प्रोसेसिंग में डालेगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर मैसेज आएगा, वो मैसेज जो नंबर आपका बैंक से रजिस्टर होगा उस नंबर पे मैसेज आएगा, मैसेज पढ़ लीजिएगा, देन आप हमें कंफर्म करिएगा जी जी जी। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा पैसा का मैसेज गया, मत कंफर्म कीजिएगा सर, उस पे ओटीपी आता है, ओटीपी बताना पड़ेगा सर? नहीं, विदाउट ओटीपी बताए पेमेंट कैसे करिएगा सर? ओटीपी देते हुए ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है सर। ऐसा करिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके साथ अभी फोन पे बनाऊँ, जैसे कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप इसी नंबर पे 0 लगा के कॉल कर लीजिए, मेरा नंबर
नंबर बिजी और वेटिंग जाएगा, मतलब मैं फ्रॉड आपसे कर रहा हूँ। अगर मेरा कॉल अगर डायरेक्ट सीनियर डिपार्टमेंट में लैंड हो गया, आप सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर लिए, मतलब हमारा कंपनी का नंबर, क्योंकि हमारा कंपनी का नंबर है, पर्सनल मोबाइल का नंबर है नहीं, जो आप हमें कॉल कीजिएगा, आप इसी नंबर से आप हमें बोले, तो मैं एट द सेम टाइम आपको इसी नंबर के आपके फैमिली में आप हमें जितना नंबर दीजिएगा, मैं सेम नंबर से आपको सब नंबर पे बात करवा दूंगा। चलो ठीक है सर, मैं आपको सर डेबिट कार्ड का नंबर तो मैं दे दूंगा। डेबिट कार्ड का नंबर चाहिए, एक तो 6 डिजिट का जो उसके ऊपर लिखा होता है जी, और क्या चाहिए सर उसके साथ? एक्सपायरी डेट वहाँ पर लिखा हुआ, कार्ड वैलिड अप टू, और सीवीवी नंबर होता है वो। सर सीवीवी तो सर कंपनी मना करती है ना, मतलब बैंक मना करते हैं सर, सीवीवी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। सर सीवीवी नंबर बैंक कब मना करते हैं? मैंने कब बताया कि जब आपको कोई अनजान व्यक्ति फोन करता है, आप खुद के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, देन आप शेयर कर रहे हैं, आप पेमेंट नहीं, आपसे कोई ऐसे अनजान आदमी फोन किया बोला सर अपना कार्ड डिटेल्स हमें शेयर करिए, तब कंपनी बैंक मना करती है। सर ऑफर कब तक है सर, थोड़ा टाइम ले सकता हूँ सर मैं? ये आपको 50 मिनट तक सर। दरअसल मैं अपने भाई से बात कर लूँ ना सर, मुझे थोड़ा डर लग रहा है सर। डर लग रहा है तो सबसे मत करिए पेमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डर लग रहा है तो पेमेंट मत करिए, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा पहला प्रायोरिटी होता है। अगर आप सेटिस्फाइड है तो पेमेंट कीजिए सर, सेटिस्फाइड नहीं है तो मत कीजिए सर, हमारी कंपनी आपको फोर्स नहीं कर रही है। अगर आपको 48 घंटे के अंदर गिफ्ट मिल जाएगा सर, तो आप हमें सामने से फोन करके आप हमें थैंक यू बोलिए, आपको विद इन 48 to 72 वर्किंग आवर के अंदर में नहीं विश्वास होता, आप चेक कर लीजिए सर। सबसे बड़ी चीज है कस्टमर सेटिस्फाई हुआ हमारा, आप पेमेंट गिफ्ट नहीं लीजिए, हमें कोई इशू नहीं है, हम आप नहीं लीजिएगा, हम दूसरे कस्टमर को देंगे होल्ड पे डाल के, है ना? तो पहले सेटिस्फाई हो जाइए, देन आप पेमेंट कीजिए। मैं आपके साथ फोन पे बनाऊँ, आप इसी नंबर के आगे 0 लगा के कॉल करके चेक ही कर लीजिए, इसी सेम नंबर पे आप 0 लगाइए, इसी सेम नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपके साथ फोन पे बनाऊँ निश्चिंत रहे जी सर। हेलो, हाँ जी सर बोलिए सर, एक सेकंड। मैं फिर से कंफर्म एक बार कर दीजिएगा सर। बिल्कुल जी, एक्सपायरी डेट नीचे लिखा होगा सर, एक्सपायरी डेट सर, हाँ जी सर जी, एक सेकंड सर, ये इतनी आवाज क्यों आ रही है सर बैकग्राउंड में? कॉल सेंटर है तो सर आवाज तो आएगी ना, ये आपका गलत कार्ड नंबर है सर। गलत कैसे सर? पहले तो सर कोई कार्ड स्टार्ट ही नहीं होता है।